I know. I hope you are doing. So welcome to your EBS class. Students, today we are going to introduce from your EBS book. आज हम आपको आपकी EBS book के बारे में आपको बताएंगे, आपको introduce करेंगे कि आपको कौन सी book आपको लेनी है. Okay? So my dear students, this is your EBS book. You know that what is the full name of this EBS? Full name of the EBS is Environmental Studies. And the spelling of this Environmental Studies E-N-V-I-R-O-M-M-E-N-T-A-N. Environmental Studies. S-T-U-D-I-E-S. Environmental Studies. Okay? So my dear students, on here, I have mentioned all chapters name that you will find in your EBS book. Okay? So let's start. First chapter is about me. And the second chapter is uses of body parts. And third chapter is growing older. And fourth chapter is my family. And fifth chapter is food we eat. And sixth chapter is dogs we bear. And seventh chapter is our houses. And eighth chapter is safety habits. And ninth chapter is places in my neighborhood. And tenth chapter is occupation. And 11th chapter is festivals. And 12th chapter is means of communication. And 13th chapter is time and directions. And 14th chapter is plants around us. And 15th chapter is animal kingdom. And 16th chapter is weather. And 17th chapter is our planet is earth. My dear student, मैंने यहाँ पे सारे चैप्टर जो 17 चैप्टर्स हैं आपकी बुक में, उन चैप्टर्स को मैंने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो आपका फर्स्ट पार्ट है वो है पीरियोडिक टेस्ट वन, एंड सेकंड पार्ट आपका है आपका अर्ली एग्जामिनेशन, एंड थर्ड पार्ट इज पीरियोडिक टेस्ट टू, एंड फोर्थ चैप्टर फोर पार्ट इज फाइनल एग्जामिनेशन. तो माय डियर स्टूडेंट, आपका जो पीरियोडिक टेस्ट वन में आपको फोर चैप्टर को स्टडी करना है, एंड हाफ अर्ली एग्जामिनेशन में आपको फोर चैप्टर स्टडी करना है विद टू सिक्स एट चैप्टर. एंड थर्ड पार्ट आपका जो पीरियोडिक टेस्ट टू है उसमें भी आपको फोर चैप्टर को स्टडी करना है. एंड जो आपका फाइनल जो एग्जामिनेशन है मीन्स आपका जो फोर पार्ट है वो उसमें भी आपको फाइव चैप्टर पढ़ने हैं, मीन्स 13 चैप्टर से 17 चैप्टर. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये अब आपकी जो यूएससी बुक में जो भी चैप्टर है आपको ये समझ में आ गया हो गया कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स को किस किस पार्ट में पढ़ना है. ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर वन अबाउट मी. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है ईवीएस की जो कॉपी बनानी है ना, वो कॉपी आपको रूल एंड अनरूल मीन्स आपको इंग्लिश की ही कॉपी बनानी है. और इंग्लिश की कॉपी में आपका जो रूल एंड अनरूल रूल अनरूल पेजेस होंगे आपकी ईवीएस की कॉपी में, और आपको इस तरह की कॉपी को आपको परचेस करना है. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे कॉपी ईवीएस की बनानी है, और आपको जो बुक में जो भी चैप्टर्स हैं उनको कैसे स्टडी करना है, कितने चैप्टर्स हैं आपको समझ में आ गया होगा. ओके, सो थैंक यू.